हाँ दोस्तों, अब सरकार द्वारा लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में कई लोग इस बात को लेकर ही मजाक उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर इस लॉकडाउन के समय में भी घर पर रहने के बावजूद भी कोई व्यक्ति गोरा नहीं हुआ तो वह आगे से कोई भी क्रीम लगाना छोड़ दे, क्योंकि कई लोग इस बात के लेकर फिरकी लेते हुए दिखाई देते हैं उन लोगों से जिनका रंग सांवला या काला है, जो गोरे होने की कोशिश करते हैं लेकिन लोगों के सामने उनका मजाक का हिस्सा बन जाते हैं। साथ ही साथ लॉकडाउन के समय में ये कोई संभव बात नहीं कि आप घर बैठे ही गोरे हो जाएं। अगर ऐसा होने लग गया तो दोस्तों गोरे होने के लिए जो भी क्रीम बिकती है वो ना बिके और जितने लोग गोरा होने वो अपने अपने घर में बैठ जाएं। लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसा देशी उपचार लेकर आए हैं जिसके चलते आप इस उपाय को घर में अपना सकते हैं और साथ ही साथ दावे से कह रहे हैं दोस्तों कि आपको कुछ ही हफ्तों में इसका असर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपके चेहरे की त्वचा और चमक बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी कि चेहरे पर लगाने के बाद इसको त्वचा की चमक और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिन लोगों की सांवली स्किन है वो साफ होती हुई दिखाई देगी, पूरी जानकारी देंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते रहते हैं। आपको बता दें दोस्तों उस उपाय के बारे में, इस उपाय में दोस्तों आपको करना ये है कि हल्दी का पेस्ट बना लेना है। जी हाँ दोस्तों, हल्दी का पेस्ट बनाने के बाद उसमें मिला देना है हनी यानी कि शहद और हल्दी का पेस्ट जो बनेगा दोस्तों उसको अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिए। चेहरे पर लगाने के बाद इसे लगाए रखिए, उसके बाद थोड़ी देर सूख जाए उसको थोड़ी देर बाद धो लीजिए। धोने के बाद अगर आप लगातार इसको लगाते रहेंगे कुछ हफ्तों में आप पाएंगे कि आपके चेहरे पर इतना निखार और इतना चमक धमक आ जाएगी जिसके चलते लोग आपके चेहरे को देख कर इतने परेशान हो जाएंगे कि आखिर ये व्यक्ति बिना इतना पैसा खर्च किए और इतने कम समय में गोरा कैसे हो गया, उसके चेहरे पर इतनी निखार कैसे आई, इस बात को लेकर सभी सोच विचार में पड़ जाएंगे। यहाँ दोस्तों आपको सिर्फ इतना करना है कि शहद और हल्दी का पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर लगाने के बाद आपकी त्वचा और चेहरे की चमक बढ़ जाएगी। इस उपाय को जरूर अपनाएगा, साथ साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद दोस्तों।